दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। धातु शोधन रसायन आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हो, मैं यह विधि आपको बताऊंगा। आप घर पे ही बना करके अपने नवयौवन को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों यह रसायन विधि, आजकल इसके सिरप भी आते हैं, लेकिन इसका उल्लेख आज से हजारों हजारों साल पहले चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में भी मिलता है। धातु दोष, धातु का पतलापन, शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता, यौन कमजोरी, यौन रोगों में, शरीर के वेट बढ़ाने में, फिजिकल ताकत की कमी हो, आँखों की ज्योति बढ़ाने में, चेहरे पर ग्लो बढ़ाने के लिए, जॉइंट पेन, गठिए के दर्द को ठीक करने के लिए, हड्डी रोगों को, हड्डियों में दर्द को दूर करने के लिए, बालों को झड़ रहा हो उसको रोकने के लिए इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसके और भी फायदे हैं, लेकिन मोस्टली जो फायदा बताया या इसके फायदे हैं, अब आइए हम जानते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों सारी विधि मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ दोस्तों जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, घंटी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे यूजफुल कंटेंट पर डे मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद। धातु शोधन रसायन, दोस्तों आप क्या करें, आप मार्केट से पंसारी के यहाँ से केवल चार सामान लाना है, हरी वाली बड़ी इलायची, अदरक, फूल वाले लौंग, ठीक है, तीन हो गए, और चौथे हो गए आपको सुपारी। सुपारी कौन सी, छोटी वाली सुपारी, सबको कूट के पाउडर बना करके आपको किसी शीशी में बंद करके रख लेना है। सुबह एक गिलास पानी में डाल करके इसको उबालना है और पानी को जला करके आधा कर देना है और छान करके इसको सुबह सुबह पीना है। आप फिर सुन लें, अदरक, हरी वाली बड़ी इलायची, सुपारी और लौंग, फूल वाली लौंग, चार ही सामान आपको लेके आना है। सब कूट कूट पीस करके पाउडर बना के शीशी में बंद कर लें और सुबह आधे एक गिलास पानी में एक चम्मच डाल के उबाल करके खद्दा जब खाया जल के आधा हो जाए, छान के इसको खाली पेट रोज पीना है। इसको पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ ना पिएं। दोस्तों यह आपके जीवन के हर चीज़ को बदल के रख देगा। आपके चेहरे पर उपज और तेज बढ़ जाएगी, गई हुई जवानी फिर लौट आएगी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, चेहरे पर ग्लो बढ़ जाएगा, गठिया रोग बाई का दर्द दूर हो जाएगा, हड्डियों में ताकत जान आ जाएगी, आपके अंदर नव ऊर्जा का संचार हो जाएगा, यौन रोगों का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बना करके आप पिए, आजमाएं, बिल्कुल यह निरापद और साइड इफेक्ट के बिना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है ये दवा का, आप बिल्कुल बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से ताकत के लिए काम आती है, यह ताकत की बहुत ही बेजोड़ और अचूक औषधि है। इसको औरतें भी चाहें तो पी सकती हैं, लेकिन गर्भवती औरतों को नहीं देना है, ठीक है, या किडनी डिजीज के रोगी को नहीं लेना है। दो रोगियों को बचना है, जिनको यूटीआई इन्फेक्शन हो, मूत्र रोग हो, किडनी की बीमारी हो, और मातांग बहनें जो गर्भवती हैं उनको, प्रेग्नेंट औरतों को नहीं लेना है। बाकी कोई भी औरत और जवान मर्द ले सकता है, बूढ़े भी ले सकते हैं, क्योंकि यह ताकत लाता है, हड्डियों में जान फूंक देता है, समझ गए। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर के चलिए। जय हिंद, जय भारत।